सो हेलो पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए पोकेमॉन ग्लेजिंग से ग्लेज एपिसोड के अंदर। हम लोग अभी फिलहाल है स्प्रिंग साइड पाथ के इधर और मैं अभी जाने वाला हूँ आगे की तरफ। और वैसे हम लोग को एक डिमांडिंग सा मिशन दिया हुआ था हमारे प्रोफेसर विलो ने, तो वो भी चेकआउट करना ज़रूर हम लोग को पड़ने वाला है। ये मेरे पोकेमॉन की टीम है फिलहाल, और अभी हम लोग को कहाँ से मिला उसके लिए आपको लास्ट एपिसोड चेकआउट करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, ज़रूर चेकआउट कर लेना। पसंद आता है तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ साथ मेरे बाकी के सारे पोकेमॉन गेम प्लेस भी है, वो भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। वैसे सजेशन में मुझे एक अच्छी बात आई थी, एक बंदे ने कहा था कि टैलो कैप्चर करना चाहिए आपको, और टैलो मैं ज़रूर देखने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन ज़रूर कैप्चर करना है। वैसे आपने मुझे एक अनदर सजेशन दिया हुआ था शिंक्स का, तो शिंक्स तो मैं ज़रूर देखने वाला हूँ। टैलो का नाम लिया यहाँ पे टैलो हाजिर होते हुए। अगर मुझे वो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ अगर मुझे नहीं मिला सिंपली, तो मैं आपका सजेशन जो है उसको एक्सेप्ट करके टैलो को कैप्चर ज़रूर करूँगा। लेकिन आपका जो शिंक्स वाला जो काइंड ऑफ एक सजेशन है उसको मैं कंप्लीट करने की पूरी 101% कोशिश ज़रूर करने वाला हूँ। तो अभी गाइस मेरी जो पोकेमॉन टीम है अगर आपने देख ली रहेगी तो आपको क्या लगता है, ओ भाई ये क्या है, गोकू एम एस टेक लुक क्लोजर टू द वर्ल्ड मैप। यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, इतना बड़ा मैप हम लोग को क्लियर करना है इस गेम के अंदर, तो बहुत ही ऑसम सी जर्नी होने वाली है हमारी फ़िलहाल की। और जिसने भी मतलब जिन बंदों ने मुझे पोकेमॉन ग्लेज का ये काइंड ऑफ गेम प्ले सजेस्ट किया था उसके लिए थैंक यू गाइस, मैं फिर से एक बार थैंक यू बोल रहा हूँ आप लोगों को। और उसके साथ साथ आप भी ऐसे गेम सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे। और यहाँ पे हम लोग को पहले तो जाना पड़ेगा ग्रीनवुड सिटी, जहाँ पे हम लोग को प्रोफेसर विलो को मिलना है और उनकी कुछ बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसके बीच में हम लोग ने लाइट हाउस क्लियर कर लिया, उसके बाद हम लोग ने बीच में बहुत ही अलग अलग मिशंस भी कैप्चर कर लिए थे, तो उसके लिए आपको ये ग्लेज की सीरीज चेकआउट करनी पड़ेगी। अभी हम लोग हमारे घर के अंदर आ चुके हैं, देख लेते हैं हम लोग बातचीत कर लेते हैं हमारे मॉम एंड डैड से, और वहां पे पता चल जाएगा कि अगर हम लोग को कुछ चीजें मिलने वाली रहेगी या नहीं मिलने वाली रहेगी। लेकिन यहां पे हम लोग को कुछ भी चीजें नहीं मिलने वाली, तो सीधा हम लोग डाइव इन करेंगे प्रोफेसर विलो के प्रोफेसर लैब के अंदर। तो लैब के अंदर जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चेकआउट करना चाहता हूँ, यहाँ पे तो स्विम की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अभी हम लोग लैब के अंदर घुस जाते हैं, वैसे हमारे पोकेमॉन्स को भी रिवाइव की ज़रूरत पड़ने वाली है। ब्लेक यहाँ पे हमको अनदर टाइम मिलते हुए, अगर आप नहीं पहचानते तो उसने खुद का इंट्रोडक्शन ज़रूर दे दिया है, वो टूनोट रीजन का काइंड ऑफ एलीट फोर है, इसने हमारी हेल्प की थी मिशेक स्वाम के अंदर, और बहुत ही अच्छा बंदा है। लेकिन ये हम लोग को अभी उसकी हम लोग को हेल्प करनी पड़ेगी एक और बार। वो बोल रहा है कि सेरेनिटी आइलैंड्स के अंदर वो हम लोग को मिलना चाहता है, जहाँ पे हम लोग ने मतलब ट्रैवल कर सकते हैं अनदर आइलैंड की तरफ। टीम फ्यूजन ने कुछ अलग ही टीम रॉकेट जैसे बतंगड़ बनाया हुआ है, तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर विलो ने भी एक मिशन दिया हुआ है सी स्प्रे टाउन की तरफ, और ये हम लोग को चीज़ डिलीवर करनी पड़ेगी सी स्प्रे डैम के तरफ, जिसका नाम है द सेंसर। और हम लोग को यहाँ पे सेंसर मिलते हुए जो हम लोग ज़रूर डिलीवर करने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग को सी स्प्रे की तरफ जाना है तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले हम लोग को ब्लेक का मिशन कैप्चर करना पड़ेगा, तो ज़रूर हम लोग पहले ब्लेक के मिशन को देखेंगे, मुझे थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम लोग को एज अ रिवॉर्ड उसने दिया है HM01 द कट, तो हमारा फर्स्ट HM यहाँ पे मिलते हुए हम लोगों को, और कट का यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि मुझे इतना पता है इस गेम के अंदर ना कि पोकेमॉन रेड एडवेंचर चैप्टर जैसे होने वाला है। रेड एडवेंचर चैप्टर के अंदर अगर आपके पास HM रहेगा तो खाली आपको HM रखना है, आपको किसी भी पोकेमॉन को उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, लेकिन हम लोग सीधा कट सिखाने वाले फ्यूरी स्वाइप्स के बदले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टाइनी मशरूम और बिग मशरूम ज़रूर कैप्चर करने वाले हो इसके अंदर अगर लगेंगे, उसके लिए हम लोग को पोकेमॉन री रनर को मिलना पड़ेगा और उसके डिमांड्स भी सुनने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग सीधा बैक जाते हैं, मतलब हम लोग जाएंगे अभी सीधा सेरेनिटी आइलैंड्स की तरफ, और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग ब्लेक के मिशन को भी चेकआउट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो कट अटैक सिखा दिया है मैंने ज़रूर हमारे मॉनफेनो बंदे को, और उसके लिए हम लोगों को अभी अगर आप चेकआउट कर पा रहे हो तो सारी जगह पे, ऑलमोस्ट सारी जगह पे वाटर फैला हुआ है, वाटर से ही हम लोग को ट्रैवल करना पड़ेगा इधर से उधर। और जब सर्फ अटैक आ जाएगा तो उसके बाद ही सारी चीज़ें पता चलने वाली है कि कहाँ कहाँ पर हम लोग को सर्फ करना ज़रूरी पड़ने वाला है और कहाँ पर नहीं, क्योंकि सर्फ का हर एक गेम के अंदर एक काइंड ऑफ पोटेंशियल रहता है, और जिस हिसाब से हम लोग को सर्फ यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल बाकी के सारे गेम्स इतने भी खेल चुका हूँ उसके अंदर सर्फ का बहुत ही ज़्यादा हाथ है। अभी हम लोग आ चुके हैं एक रिस्ट्रिक्टेड जोन के तरफ, और रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर हम लोग को पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि
यस डेफिनेटली यहाँ पे डाइनो मिलने वाला है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग को ये पोकेमॉन शायद से नहीं मिल रहे थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग अभी डाइनो को कैप्चर कर लेंगे और एक अटैक से ही डाइनो चला जा चुका है। यहाँ पे आपको बेल्डम भी मिलने वाला है, आप भी कैप्चर कर सकते हो इस बेल्डम को। इसके लिए मैंने गेम का जो प्लेलिस्ट का लिंक है, सॉरी प्लेलिस्ट का नहीं, गेम का जो डाउनलोडेबल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही लिंक है, उसको ज़रूर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो इस ऑसम से गेम को। तो ये पोकेमॉन ग्लेस का लेटेस्ट बीटा है और पोकेमॉन रेड एडवेंचर का भी लेटेस्ट बीटा फिलहाल खेल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि पोकेमॉन रेड एडवेंचर का वो फाइनल बीटा है, उसके बाद कोई भी बीटा आने नहीं वाला, ये पोकेमॉन फोरम पे लिखा हुआ है। तो पता नहीं, अगर किसी क्रिएटर के दिमाग में कुछ आ जाता है तो डेफिनेटली वो पोकेमॉन रेड एडवेंचर का और एक बीटा बनाएगा, लेकिन फिलहाल जो जर्नी चल रही है पता नहीं इसका अंत कहाँ पे आने वाला है, सेम एज दिस पोकेमॉन ग्लेस। तो अभी हम लोग कौन सा पोकेमॉन सिलेक्ट करें जिससे ज़्यादा हर्ट ना हो द डाइनो बंदे को। वैसे यार ईवी का हम लोग का बहुत बड़ा पचका हो गया था, ईवी के मूवसेट मैंने ऑलरेडी देख लिए थे, लेकिन इतने अच्छे मूवसेट बिल्कुल भी नहीं है, इसे आप ना अटैक कर पा रहे हो ना कुछ चीज़ें कर पा रहे हो। तो हम लोग अभी पोकेबॉल और ग्रेट बॉल का कॉम्बो यूज़ करते करते हम लोग ज़रूर करने वाले हैं। मुझे पता है कि पोकेमॉन कैप्चर करते टाइम पे बहुत बार हमारे बहुत सारे पोकेबॉल्स वेस्ट हो जाते हैं, तो उससे डरने की बात नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ पोकेबॉल हम लोग को मिल भी जाते हैं सामने से, तो उसके साथ पोकेबॉल भी आ जाता है, लेकिन बैग में नहीं आता सर्टनली। तो इसके लिए हम लोग को कुछ पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा, और पैसा कलेक्ट करने के बाद ही हम लोग पोकेबॉल्स को खरीद सकते हैं। वैसे डाइनो को डाइनो से ही हराएंगे हम लोग, टैकल अटैक यूज़ करके मैं सोच रहा हूँ कि डाइनो को डाइनो से हरा देते हैं। इसके लिए डिट्टो को कैप्चर किया था, क्योंकि डिट्टो एक पोटेंशियल पोकेमॉन है, फिलहाल उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है लास्ट पोकेबॉल, और इसके साथ हम लोग ने लास्ट पोकेबॉल की मदद से डाइनो को कैप्चर कर लिया है। फिलहाल इसका नाम दे दूंगा ड्रैगन, और अगर आप मेरे पोकेमॉन्स को निकनेम देना चाहते हो तो निकनेम कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, डेफिनेटली मैं उस हिसाब से निकनेम देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए हम लोग को निकनेम वाला बंदा मिलना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग निकनेम को चेंज कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप मुझे बता के रख दो, जो अच्छा नाम रहेगा डेफिनेटली मैं उसको नाम दे दूंगा। वैसे जिसका मेजोरिटी नाम ज़्यादा रहेगा, मतलब जो अगर बोला कि सैम नाम रखना है किसी पोकेमॉन का, और वहाँ पे सेम दो तीन बंदों ने और ज़्यादा लिख दिया कि वहाँ पे सैम नाम रखना है, तो डेफिनेटली उस पोकेमॉन का नाम मैं सैम रखूँगा। फिलहाल हम लोग जाएंगे पोकेमॉन प्रोफेसर लैब के अंदर, और यहाँ पे हम लोग हमारे पोकेमॉन्स को हील करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी थोड़े से पोकेमॉन जरूर डाउन हो चुके हैं, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो अभी कट अटैक यूज़ करने के बाद डेफिनेटली हम लोग जा पाएंगे सीधा सैनिटी आइलैंड्स के तरफ। तो पहले डाइनो को मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ, वो है दो एक्सपीरियंस शेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बाकी के बंदों के पास ज़रूर है। वैसे लास्ट एपिसोड्स के अंदर हम लोग ने मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है कौन सा पोकेमॉन मेरी टीम के अंदर से निकल जाना चाहिए या फिर मैं उसको यूज़ ना करूं। तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आंसर तो आया नहीं है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी आंसर कर देना गाइस कि आपको क्या लगता है कौन सा पोकेमॉन मुझे निकालना चाहिए। वैसे मॉनफेनो और मार्स्टॉर्म और उसके साथ साथ पॉरीगॉन छोड़ के आप मुझे बता सकते हो कौन सा पोकेमॉन निकालना चाहिए, क्योंकि ये तीन पोकेमॉन मोस्टली सजेशन से आए हुए हैं, तो इनको मैं निकाल नहीं सकता और इसके लिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो बाकी के तीन पोकेमॉन्स का सजेशन अभी भी खुला हुआ है। तो डिट्टो को वैसे भी सोच रहा हूँ निकाल सकते हैं, लेकिन डिट्टो ने अभी जो यूज़ करके मुझे हेल्प की है ना, वो बहुत ही अच्छी हेल्प है। यहाँ पे ब्लेक हम लोग को मिलते हुए, तो ब्लेक से बात ज़रूर कर लेंगे, और बात करने के बाद ये हम लोग को सेल करके लेके जा रहा है कहाँ पे, तो लेट सेल बोल ज़रूर रहा है। यहाँ पे ब्लैकआउट स्क्रीन ज़रूर आ चुके हैं, व्हाट्स हैपनिंग, लुक आउट गोको एमएस इज अ स्टॉर्म। तो मुझे लगता है हम लोग स्टॉर्म के अंदर अटक चुके हैं, और ये जो रूम है ये ओरिजिनल रूम है पोकेमॉन रूबी एंड सैफायर का। तो ये अभी बंदा बोल रहा है कि हम लोग को अगर इस आइलैंड को छोड़ के जाना है तो हम लोग को पहले रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को पहले टीम फ्यूजन के पीछे भी पड़ना पड़ेगा। तो टीम फ्यूजन से मैं बैटल करने वाला हूँ, ये ज़रूर एलिट फोर है लेकिन ये बैटल नहीं करने वाला। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एलिट फोर पहले अपनी पावर्स नहीं दिखाएंगे, और हर एक चीज़ हम लोग को ही करनी पड़ती है गेम्स के अंदर। तो हम लोग रिकवर कर लेंगे हम लोग पोकेमॉन्स को, क्योंकि अगर हम लोग टीम फ्यूजन से हार जाते हैं तो उसके बाद सीधा इस पोकेमॉन सेंटर के आ जाएंगे, नहीं कि सेरेनिटी आइलैंड्स के। क्योंकि अगर सेरेनिटी आइलैंड्स के पोकेमॉन सेंटर में आ जाते हैं ना गाइस, तो वहाँ पे ज़रूर लोचा होने वाला है, क्योंकि अगर वहाँ पे हम लोग को फिर से एक बार ब्लेक नहीं मिला अकॉर्डिंग टू द सिनेमैटिक्स, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपको ब्यूजल मिल सकता है जिसको आप कैप्चर कर सकते हो, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्प्लेंडा मिल सकता है। और कोई पोकेमॉन है यहाँ पे भाई, आ जाओ कोई तो पोकेमॉन आ जाए यार, इतना फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैं सीधा ग्रास के ऊपर से चल रहा हूँ। यहाँ पे आपको विंगुल भी मिल सकता है, तो विंगुल आपको बहुत सारी जगहों पे मिल सकता है। विंगुल एक बर्ड टाइप पोकेमॉन है, और बर्ड्स हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं, एक अच्छी खासी हैक गेम्स के अंदर ये बातें बताई हुई। यहाँ पे फ्लैश लगने वाला है यार, बहुत इरिटेटेड चीज़ है। लेकिन ये केव अगर आप देखोगे तो ये केव सेम टू सेम है डार्क केव जो हम लोग को रूबी के अंदर मिलती है,
स्टार केव ही नाम है ना उसका शायद से, लेकिन ये केव हम लोग को शायद से उन्होंने थोड़ी सी इंप्रिंट की रहेगी और इस गेम के अंदर डाली रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग को फाइटिंग टाइप पोकेमॉन जरूर दिखने वाले टीम फ्यूजन के बंदों के पास। तो अभी मुझे पता चल गया है आपके सजेशन का आंसर। तो आप चाहते थे कि मैं टेलो इसके लिए पकड़ू, क्योंकि यहाँ पे टीम फ्यूजन के बंदों के पास मैक्सिमम हो सकते हैं शायद से फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, सो उसके वजह से आप चाहते थे कि मैं टेलो पकड़ू। और टेलो का विंग अटैक डेफिनेटली फाइटिंग टाइप के खिलाफ भारी गिरने वाला है। यस डेफिनेटली यहाँ पे इप्पोन ली और इप्पोन चान जैसे पोकेमॉन मिलने वाले हैं हम लोगों को। तो सॉरी, इसके लिए मुझे सुनना चाहिए था इन सजेशंस को, लेकिन डेफिनेटली आगे के सजेशन ज़रूर आने वाले हैं। और यहाँ पे इप्पोन चान भी आते हुए, लेकिन डाइनो अच्छा पोकेमॉन है, मतलब मेरे नज़र में तो अच्छा पोकेमॉन है, क्योंकि मैंने अभी तक सारे के सारे ड्रैगनाइट्स पकड़े हुए हैं और उसके साथ साथ मैंने अभी तक तो दूसरा कोई ड्रैगन टाइप पोकेमॉन याद नहीं मैंने पकड़ा है कभी भी। तो डाइनो एक अलग है, मतलब अभी तक के गेम प्लेस के अंदर जितने मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है, उसके अलावा तो बाकी के जितने भी आज तक पोकेमॉन गेम्स खेले उसके अंदर मैंने सारे ड्रैगन टाइप्स यूज़ कर लिए हैं। हेक्सरस को यूज़ कर लिया है, उसके साथ साथ डाइनो को भी एक बार यूज़ कर लिया था, तो अच्छा पोकेमॉन मुझे लगता है इसके लिए कैप्चर किया था। यहाँ पे ये फ्लैश अगर नहीं रहेगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ होने वाली है। तो हम लोग को सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, उसके लिए मैं पहले सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए हर एक प्लेस पे जाऊँगा, हर एक प्लेस पे सर्टन एरिया को देखूँगा। अगर वहाँ पे बैटल रहेगी तो बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ऐसे क्यों लग रहा है इस केव के अंदर हम लोग, मतलब इस टीम फ्यूजन के केव के अंदर हम लोग को शायद से फ्यूचर के अंदर जाकर डाकराय मिल सकता है, क्योंकि डाकराय हमेशा हम लोगों को स्लीपिंग वर्ल्ड के अंदर ज़रूर मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एक डार्क टाइप पोकेमॉन हम लोग को मेगा मास्टर ज़रूर मिलेगा फ्यूचर के अंदर। देख लेते हैं, मिलेगा तो अच्छी बात होगी। यहाँ पे ड्रैगन जो है हमारा लेवल 10 के ऊपर ज़रूर चला गया है और हिपमॉन चैन को हम लोग ने यहाँ पे हरा दिया है। तो अनदर पोकेमॉन आते हुए जो है हिपमॉन टॉप। तो टायरॉक के 3 इवोल्यूशन फॉर्म है, हिपमॉन चैन, हिपमॉन ली और हिपमॉन टॉप। मुझे इवोल्यूशन का सेक्शन नहीं पता कि ये तीनों कैसे इवॉल्व होते हैं हर एक सेक्शन के अंदर, लेकिन अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के बता सकते हो। तो अभी यहाँ पे गैसली आते हुए जो भी लेवल 14 का है, गैसली और मेरी पहचान बहुत ही पुरानी है। वैसे ये पत्थर जो है ये काइंड ऑफ अलग ही चीज़ है और इन पत्थर का कुछ ना कुछ जरूर फ्यूचर के अंदर यूज़ होने वाला है, क्योंकि गेम के अंदर अगर आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ अलग दिखाई दे तो आपको याद रखना चाहिए ये चीज़ को, कि अगर ये चीज़ हम लोग को फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकती है। तो यहाँ पे मिश्रीवस आते हुए जो है लेवल 14 की, और ये अलग अलग पत्थर है ना उसके वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट लगता है कभी भी जाके इस केव के अंदर मुझे ना म्यूटू दिख जाए भाई, क्योंकि ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसे लेजेंडरी पोकेमॉन्स खड़े हो जाते हैं तो कभी कभी डर लग जाता है। और रेड एडवेंचर के बाद तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग गया है ऐसे चीज़ों का, क्योंकि उसके अंदर भी एक दो बार मैंने म्यूटू के साथ बैटल की है और वो जो है वो चीज़ उसके बाद नहीं, रेड एडवेंचर के नहीं सॉरी, अभी मैं फिलहाल जो नज़लॉक चैलेंज खेल रहा हूँ उसके अंदर बोल रहा हूँ, म्यूटू के साथ नहीं सॉरी ग्राउडॉन के साथ। तो ग्राउडॉन पॉपअप हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है यार भाई, अलग ही चीज़ है। उसके लिए मैं जब अपलोड करूंगा तो आपको नज़लॉक चैलेंज जरूर देखना पड़ेगा। वैसे मैं उस नज़लॉक चैलेंज के अंदर लेजेंडरी नहीं कैप्चर कर रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा वर्किंग चालू है, तो नज़लॉक चैलेंज जरूर आने वाला है पोकेमॉन रूबी का, और आप भी मुझे नज़लॉक चैलेंज की चैलेंज कर सकते हो। कैसे करना है आपको, गेम नेम बताना है और मैं कौन से गेम रूल फॉलो करूँ पोकेमॉन गेम्स खेलते टाइम पे, तो ज़रूर आप मुझे बता सकते हो सजेशन के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अभी हम लोग यहाँ पे हॉन्टेड रॉक से होते हुए, मतलब हॉन्टेड आइलैंड्स का नाम है लेकिन इस माउंटेन का नाम है हॉन्टेड रॉक, हम लोग को मूनस्टोन यहाँ पे मिल चुका है और मूनस्टोन हम लोग यहाँ पे यूज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि खुद ब खुद इवॉल्व हो जाए। और यहाँ पे हम लोग को टिम्बोर मिलते हुए, टिम्बोर को हम लोग अर्थविक से हराने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने स्वाम थिंग को पहले ही काइंड ऑफ एक अर्थविक दे के रखा था, मुझे पता था कि अगर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन आ जाते हैं तो उनके लिए हम लोग को ज़मीन को शेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लेम व्हील यूज़ कर लेते हैं और इसके साथ माचैम हार चुका है, ड्रैगन चला गया लेवल 12 के ऊपर और फटाफट से ड्रैगन अपनी ग्रोथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो मुझे लगता है डाइनो टू अनदर इवोल्यूशन में जा ही जाएगा, लेकिन कौन से लेवल पे जाता है याद नहीं है मुझे, वैसे 25 पे चला जाता है मोस्टली। तो अभी हम लोग यहाँ पे हाउंटर से मिलते हुए, हाउंटर को हम लोग रन अवे सेफली कर लेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर्व के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्व जब हम लोग को मिल जाएगा तो इस काइंड ऑफ केव के अंदर फिर से एक बार आना पड़ेगा, और आने के बाद हम लोग को कुछ मिस्टीरियस चीज़ें ज़रूर मिलने वाली है, क्योंकि आसपास के एरिया में शायद से सर्फ अवेलेबल है और वहाँ से हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे अलग ही चीज़ देखने मिल रही है, एक ट्रेनर के पास श्रूमिश है और डेफिनेटली श्रूमिश का इवॉल्व फॉर्म जो हो जाता है वो काइंड ऑफ फाइटिंग प्लस बग हो जाता है, तो उसके वजह से श्रूमिश इसने पाल के रखा हुआ है। और टीम फ्यूजन का ये अलग ही चीज़ देखने मिला, क्योंकि इनके पास सारे के सारे अभी फाइटिंग टाइप के वहाँ से देखने मिल रहे हैं मुझे। तो अनदर श्रूमिश यहाँ पे आते हुए और इसने आते ही ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी हम लोग ने उसको फ्लेम व्हील के मदद से हरा दिया है।
तो श्रूमिश काइंड ऑफ डेंजरस हो सकता है अगर आपके पास मास्ट्रॉम जैसा पोकेमॉन हो, क्योंकि ब्रेल्यूम और श्रूमिश दोनों के दोनों बंदे मेगा ड्रेन से अच्छी खासी बात कर सकते हैं। ये लैंटन डॉट को जो है शायद से फ्लैश से यूज़ कर रहा है, क्योंकि जब से मैंने अभी जब पिकअप किया उसके बाद जो है होल थोड़ा बड़ा हो गया, या फिर मैंने एक सर्टन एरिया केव का थोड़ा पार्ट किया रहेगा उसके वजह से शायद से होल बड़ा हो गया रहेगा, लेकिन वैसे वाली बात नहीं है। उसका नाम लैंटन इसके लिए है, शायद से वो काइंड ऑफ फ्लैश के जैसे यूज़ करता हो, अच्छी बात है क्योंकि फ्लैश का HM इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो उसके जगह पे ये चीज़ मतलब माइंड ब्लोइंग रिप्लेसमेंट है। और यहाँ पे कम्बस्किन, उसको लगा कि मैं कम्बस्किन की मदद से हरा दूंगा मास्टॉम को, लेकिन ऐसे वाली बात नहीं थी। अनदर लेवल अप हमारे डाइनो के लिए, तो यहाँ पे मॉनफेनो को भी हम लोग ने हरा दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हमारे फर्स्ट एलीट फोर तक हमारे जो स्वाम्प थिंग और बाकी के जितने भी बंदे हैं वो 60 और 70 तक चले जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे इतना ज़्यादा टफ बैटल्स होने वाली है, क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक राइवल देखे हैं, जितने भी जिम लीडर देखे हैं, उन्होंने एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा टफ बैटल दी है, मतलब एंडिंग पोकेमॉन तक लाके खड़ा कर दिया है। और अभी तक कौन से भी GBA गेम के अंदर मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया कि मैक्सिमम मैं कभी भी एंडिंग पोकेमॉन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ब्रेल्यूम आते हुए, और ब्रेल्यूम को हम लोग सिमिलर डिफीट करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन उसका पलड़ा थोड़ा भारी गिरने वाला है। यस, उसने चैम को हरा दिया है, तो अभी हम लोग स्वाम्प थिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और अर्थ पिक कर लेते हैं। यहाँ पे स्टन स्पोर और उसका मेगा ड्रेन और लीसीड, ये तीनों कॉम्बो बहुत ही ब्रिलियंटली यूज़ किया उस सैमुराई सामने वाले ट्रेनर ने, लेकिन हम लोग हैं तो डेफिनेटली हम लोग ने उसको हरा दिया है। पहले मैं हील करने जाऊंगा, बैनेट भी यहाँ पे आपको दिखने वाला है, तो बैनेट भी आप कैप्चर कर सकते हो। शायद से आगे जाके गेंगार भी दिख जाए भाई, तो गेंगार दिखेगा तो बहुत अच्छी बात है। कैप्चर तो नहीं करूंगा गेंगार को, लेकिन यहाँ पे गैसली भी ग्रास के अंदर दिखने वाला है। तो हॉन्टिंग आइलैंड इसके लिए नाम रखा हुआ है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ हॉन्टिंग पोकेमॉन जरूर दिखने वाले हैं। तो हम लोग अभी ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ते चढ़ते हम लोग अनदर टीम फ्यूजन के मेंबर से भिड़ेंगे, जिसके पास है हिपमॉनली, चल जाएगा अर्थक्वेक यूज़ कर लेते हैं। उनके लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है थैंक्स टू द लाइट हाउस, हम लोग लाइट हाउस के चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की थी, उसके वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई हम लोगों को। और यहाँ पे ड्रैगन सीख रहा है द हेड बट, हम लोग फोकस एनर्जी को निकाल देंगे, चला गया लेवल 15 पे, और यहाँ पे हिपमॉन टॉप आते हुए, तो मुझे लगता है कि अभी ड्रैगन उतर सकता है बैटल के अंदर और 5-6 लेवल बढ़ने के बाद, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे रिस्क ले ली, अगर वो फिर से डाउन हो गया तो फिर से एक्सपीरियंस दूसरे बंदे को देना पड़ेगा। आपको भी पता है कि अगर एक पोकेमॉन फेंट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको एक्सपीरियंस शेयर से XP नहीं दे सकते जब तक वो फेंटेड है। तो यहाँ पे मर्स लैब का कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, मैंने खाली एक ट्राई किया था और उसका ट्राई मुझे भारी गया। यहाँ पे स्वाम्प थिंग हमारा पूरा का पूरा चला जा चुका है। यहाँ पे फ्लेम व्हील यूज़ करेंगे और डेफिनेटली वो बग टाइप है, लेकिन उसने हम लोग को जाते जाते दे दिया है द पैराडाइसिस। तो अभी हम लोग नीचे आ जाते हैं, ये क्या है ना, मतलब ऊपर बाद में नीचे दो बंदों से बैटल कर ली और अभी एक और बार नीचे जाना है हम लोगों को, लेकिन ये सारे पोकेमॉन हम लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कैसली भी लेविटेट करता है, उसके साथ साथ जो पॉरीगॉन है वो भी लेविटेट करता है, तो मुझे लगता है फ्यूचर के अंदर कभी भी अगर ये अर्थक्वेक वाली चीज़ आ जाती है तो मैं पॉरीगॉन पे स्विच कर सकता हूँ। और अगर ड्रैगन जो है हमारा जो हीट ड्रैगन अगर बन जाता है डाइनो, तो उसके साथ भी बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे हॉन्टेड रॉक पे फिर से एक बार हम लोग आ चुके हैं, ये शायद से हम लोग को हील करेगा डेफिनेटली यार, मतलब इन मोटे बंदों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, तो थैंक यू फॉर डैट। और अभी हम लोग नीचे जाएंगे और वहाँ पे एक पोकेबॉल रखा हुआ है, दूसरे साइड हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ से ही हम लोग आए थे। इस पोकेबॉल को चेक कर लेते हैं क्या है इसके अंदर, TM02, और इसके पास है ड्रैगन क्लॉ, देख लेते हैं अगर मैं सही हूँ तो। यस, डेफिनेटली मैं सही हूँ, ड्रैगन क्लॉ है। और अभी हम लोग यहाँ पे आज के एपिसोड के लिए लुकने वाले हैं, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया गाइस। तो अभी हम लोग मास्टर से, मतलब इन टी फ्यूजर के मास्टर अगर आगे अंदर रहेंगे तो उनसे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाले हैं। आपको ये एपिसोड कैसे लगा मुझे बता सकते हो लाइक बटन प्रेस करके, सजेस्ट करना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हो, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। वैसे ये सारे वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होते, मैं एट द मोमेंट पे बातें करता रहता हूँ, तो कभी कभी क्या हो जाता है मैं कुछ मतलब गलती से कुछ बातें कह जाता हूँ, लेकिन उसको फटाक से भी मैं रिप्लेस भी कर देता हूँ, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। और स्क्रिप्टेड ना होने के कारण मैं ऑलमोस्ट पोकेमॉन गेम्स के बारे में जितनी भी मेरी फीलिंग्स है उनको आपके सामने रखता हूँ। तो डेफिनेटली गाइस सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही गेमिंग कंटेंट आपके लिए आने वाले हैं। और डेफिनेटली साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो डालते रहता हूँ, हर रोज़ वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑसम से पोकेमॉन ग्लेजिंग के ग्लेज एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।